हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिसाई ट्यूटोरियल चैनल। फ्रेंड्स, जीडीएस रिक्वायरमेंट 2023 टोटाल पोस्ट वैकेंसी रही 40,889 पोस्ट। जदि आपण माने जदि दशम पास करी जदि अच्छी आपण मानकर एज 18 वर्ष रु 40 वर्ष भितर होइथिबो तबे आपण माने एही पोस्ट को अप्लाई करि परिबे। एही पोस्ट माध्यम आपण मानक सैलरी दिया जिवो 10,000 रु 25,000 पर्यंत। ता सहित निज मोबाइल साहाय्य आपण माने केमिति स्टेप वाइज स्टेप आपण माने अप्लाई करेंगे सेटा एही वीडियो माध्यम रे आपण को फुल डिटेल्स मिलबो। ता सहित को डिवीजन रे केतेटा पोस्ट रही चलत यार डिटेल्स आम मैंने जाना। जदि आपण माने एही वीडियो टी प्रथम थर करी आपण माने देखुछन्ते तबे एही वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु आ पाखर थिया बेल आइकन को दबे कि ऑल रे सेट कर दियंतु। चलंतु आज रे वीडियो टी को स्टार्ट करबा। हेलो फ्रेंड्स, आपण माने जानिछन्ते जो इंडिया पोस्ट 40,889 पोस्ट जो बाहर छी जीडीएस पोस्ट, तो सही पोस्ट रे को पिला माने एलिजिबल हेबे ना जो पिला माने 10th स्टैंडर्ड पिला माने जो माने 10th क्वालिफाई करी छंदी सेही पिला मानकर जदि 18 रु 40 वर्ष भितरे जदि तांकर एज हेई थिबो कहले सेही पिला माने एलिजिबल हेबे एही पोस्टल टिको अप्लाई करिया पई। तो चलंतु सेही पोस्ट अप्लाई करिया पई केमिति आपण माने एही निज मोबाइल सहाय्य रे अप्लाई करि परिबे तार स्टेप बाय स्टेप आमे माने आज एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकु देबो। जदि आपण माने वीडियो देखुछन्ते तो तबे वीडियो टिको गोटे लाइक कर दियौ, ता सहित चैनल टिको सब्सक्राइब करिया पई भुलंतु नाही आ पाखर थिया बेल आइकन को दबे के ऑल रे सेट कर दियौ। चलंतु आज आमे माने सेही जो जीडीएस 40,889 पोस्ट बाहरि छि तारो केमिति प्रोसेस रे मोबाइल माध्यम रे अप्लाई करा जाय। चलंतु सर्वप्रथमे आपण मानकु गूगल सर्च बटन रे जाके आपण मानकु सर्च करिया पड़िबो जीडीएस ऑनलाइन। तो एठी जीडीएस ऑनलाइन सर्च कर देबे। सर्च करि सारला परे एमिति इंटरफेस ओपन होबो जहा जोडा कि फास्ट लिंकटा अछि इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, तारि ऊपर क्लिक कर देबे। क्लिक करि सारला परे इंटरफेस टे एमिति ओपन होबो। तो आपण मानकु डेस्कटॉप साइड कर देबे मोबाइल टी। तो सर्वप्रथमे आपण माने देखि पारछन एटा कैंडिडेट्स कॉर्नर जो देइछि तार ऊपर नोटिफिकेशन देइछि। फास्ट नोटिफिकेशन आपण माने भलो भाबर देखिबे आ पढिबे, पढि के आपण माने एही पोस्टल टी को अप्लाई करि परिबे। फास्ट देइछि स्टेज 1 जोटा रजिस्ट्रेशन देइछि तार ऊपर क्लिक कर देबे। क्लिक कला पर रजिस्ट्रेशन लेखा जे ओपन हे जिवो। तो एठी आपण माने देखि पारछन वैलिडेट योर डिटेल्स देइछि। एठी सर्वप्रथमे आपण माननकु रजिस्ट्रेशन करिया पड़िबो। एठी आपण माने देखि पाछन जोडी लेखा छै प्लीज गो थ्रू द डिटेल्स नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द होम पेज बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। जते बेले आपण माने निजर एप्लीकेशन सबमिट करिया पे जाउछन्ते ता पूर्वरु आपण माने जो नोटिफिकेशन पाखु जाय के आपण माने नोटिफिकेशन क्लिक कर देबे आ सेडी पीडीएफ दिया जाय छै तार डिटेल्स सब एप्लीकेशन सबमिशन विषय रे इंस्ट्रक्शन गुडा दिया जाय छै। सेटा भलो भाबरे पढिबे, तापर भलो भाबरे पढि के आपण माननकु एही जो देखा दउछ आपण माननकु वैलिडेट योर डिटेल्स से भितरे आपण माननकु निजरो डिटेल्स सब सबमिट करिया पडिबो बोली कहूछि। तो कोन सब देछि आपण माने जाय के सेठी देखि परिबे तापर देई परिबे। तो चलंतु वैलिडेट योर डिटेल्स देछि तारि ऊपर क्लिक कर दे। फर्स्ट मागिस नंबर 1 रे मोबाइल नंबर एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपनकु निजरो जोटा मोबाइल नंबरटा अछि जोटा एक्टिव थिबो जोठी सब रिचार्ज थिबो सेही नंबर टिकु एठी एंटर कर देबे। एंटर कर सारला परे एठी आपण मानन कोन करिया पडिबो ना मोबाइल नंबर एंटर कर सारला परे एठी वैलिडेट मोबाइल नंबर लेखा छै तारि ऊपर क्लिक कर देबे। वैलिडेट मोबाइल नंबर ऊपर क्लिक कर सारला परे आपण मानन को पाखा को गोटे ओटीपी आसीबो सेही ओटीपी आपण मानन को एठी एंटर करिया पडिबो। एंटर कर सारला परे आपण मानन जस्ट सबमिट ऊपर क्लिक करिया को पडिबो। देखि पाछन्ते सबमिट हे सबमिट ऊपर क्लिक कर सारला परे एठी आपण माने देखि पाछन्ते मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली देखै देला। तापर एबे आपण माननकु 2 नंबर अछि ईमेल आईडी एठी देबा को पड़िबो। ईमेल आईडी देई सारला परे आपण माननकु जस्ट वैलिडेट ईमेल ऊपर क्लिक करिया को पड़िबो। क्लिक कला पर सेठी भी गोटे ओटीपी जिवो आ सेही ओटीपी को एठी एंटर कर देबे। ओटीपी देई सारला परे सबमिट ओटीपी ऊपर क्लिक कर देबे। ईमेल वैलिडेटेड सक्सेसफुली देखैला। तो एटा हे सारी छी। तो आपण मानक तलु स्क्रोल करिया पड़िबो। एप्लिकेंट्स नेम दे माने जो 10th क्वालिफाई करछन तार सर्टिफिकेट अनुसार निज नेम टी को एट फिल अप कर देबे। तो नेम टी फिल अप हे सारला पर आपण मानक तलु स्क्रोल कर देबे। एट देखि पाछे 4 नंबर अछि फादर्स नेम मदर्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट। माने आपण मानकर 10th स्कूल सर्टिफिकेट अनुसार जो नाटा जेमिति फादर और मदर अच्छे से अनुसार आपण माने एठी फिल अप कर देबे। ये फादर को देदेवे फादर को नेम ये देदेवे 5 नंबर देउछि डेट ऑफ बर्थ हेडी देदेवे निजर डेट ऑफ बर्थ तो मु डेट ऑफ बर्थ दे देउछि डेट ऑफ बर्थ दे सारा पर आपण मानक जेंडर कहूँ जेंडर सिलेक्ट करिया पड़ो जेंडर कौन आपण माने सिलेक्ट करेंगे निज निज अनुसार तापर सिलेक्ट कम्युनिटी कौन अच्छे कम्युनिटी आपण माने चेक करदे कम्युनिटी आपंकर एससी एसटी ओबीसी सब देसी आपण मानक को कम्युनिटी रू आपण माने बिलोंग्स करथि से अनुसार आपण माने एठी निजर कम्युनिटी दे देबे माने को बोर्ड रे रहिके आपण माने पास करथिले निजर 10th क्लास सेटा दे देबे तो मु ओडिसा रे रहिके ओडिसा बोर्ड रे पास करथिले तो ओडिसा बोर्ड दे देबे दे साला पर ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल आपण माने जो 10th क्लास पास करथिले सेटा केबे पास करथिले को वर्ष पास करथिले तारो एंटर कर देबे एंटर द टेक्स्ट सन बिलो जोटा देछि एटा देखि पारछन टेक्स्ट ए पीएनजी को ये जो आपण मानक इमेज इमेज रे देखा जाउछि सेटा को आपण माने एठी टेक्स्ट को एंटर कर देबे एठी कोन देछि तो मु देखि देछि सब ठीक ठाक अछि तो आपण माने जस्ट कोन करिया पड़िबो सबमिट ऊपर क्लिक कर देबो पड़िबो सबमिट ऊपर क्लिक कर साला परे आपण माने देखि पारछन जोटा कि आपण माने सबमिट कर साला परे एमिति किछि आसीबो मेसेज जोटा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड आपण मानको देखैबो प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन आपण माने एही भलिया आसी जिवो जो आपण माने फर्स्ट जोटा रजिस्ट्रेशन करले सेटा कंप्लीट हे जाय छै आ कंटिन्यू करिया पय जो रजिस्ट्रेशन करिया पय आपण मानको जो फॉर्म टे अछि सेटा को फिल अप करिया पय कंटिन्यू करिया पय कहा जाउ छै तो जस्ट आपण माने ओके रे क्लिक कर देबे ओके रे क्लिक करि सारला परे आपण मानको पाखु को एमिति इंटरफेस टे ओपन हबो तो तळो को आपण माने देखि पारछन्ती एठी आधार नंबर देछि तो आपण मानको जस्ट आधार नंबर एठी देबाक पड़िबो आधार कार्ड नंबर दे सारला परे तापर एठी 11 नंबर देखि पारछन्ती आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी नाइ आमे पूरा फ्रेश पूरा एठी डिसेबिलिटी नै तो एठी आपण माने सिलेक्ट कर देबे कोन न कर देबे 12 नंबर अछि लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल तो आपण माने को लैंग्वेज पढ़िथिले जो आपण मानकर 10th रे से लैंग्वेज टुकु एठी चूज करिया पड़िबो तो मु ओडिया रे पढ़िथिले तो एठी ओडिया उपरे क्लिक कर देबे तापर ओके रे सबमिट कर देबे तापर एठी देखि पारछन्ती वेदर एम्प्लॉयड आपण पूर्वर किछि जॉब करथिले कि एठी क्लिक कर देबे जदि करथिले कहले इस मार देबे नले नाइ तो नो मार देबे तापर एठी आपण देखि पारछन्ती अपलोड फोटो जोटा कि फाइल फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट हेतिबो जोटा कि साइज अछि अप टू 50 केबी भितरे आपण मानको फोटो सिलेक्ट करिया को पड़ि सिलेक्ट करूची पास फोटो सिलेक्ट करिया को पड़िबो निजर पास फोटो फोटोटे हो जाए तो फोटो सिलेक्ट कर सारा पर आपण मानक एठी अपलोड सिग्नेचर मांगी तो अपलोड सिग्नेचर उपरे क्लिक कर देबो अपलोड सिग्नेचर अप टू केते 20 केबी भितर आपण मानक सिग्नेचर हेतिबा दरकार तो सिग्नेचर आपण माने अपलोड कर देबे निज मोबाइल रे जाय कि मोबाइल फाइल को जाके आपण जो सिग्नेचर टी सिलेक्ट कर सारा पर आपण मन ऑलरेडी हे सारी छी तो देखि पारछन्ती जो फोटो आ सिग्नेचर टी ऑलरेडी अपलोड हे सारी छी तो आपण मन को एबे आ किछि करियन भलर देखिया पड़िबो तापर एठी आपण मन को सबमिट ऊपर क्लिक करिया पड़िबो सबमिट ऊपर क्लिक करि सारला पर आपण मन को पाख को रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टा एही भलिया पळे आसीबो आपण मन देखि पारछन्ती सब देछि मोबाइल नंबर फादर्स नेम निजर एप्लिकेंट नेम सब देछि फादर मोबाइल नंबर सब एमिति डिटेल्स दे आसीबो आसी सारला पर आपण मन को कोन करिया पड़िबो एठी जो गोटे बटन टा देछि गोटे बटन गोटे देछि तारि ऊपर क्लिक कर देबे क्लिक करि सारला पर आपण मन को सबमिट ऊपर क्लिक करिया को पड़िबो क्लिक कला पर एटा जस्ट एबे लोडिंग चली तो हे सारी छी कोन देछि डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज एतिक देछि ता प्लीज कीप इट फॉर फर्दर रेफरेंस एटा आपण मानक जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म टा आपण माने एटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म टा अप्लाई कले तारो रजिस्ट्रेशन नंबर टा आपण माने दे देछि एमिति दे देबो तापर एही नंबर अनुसार आपण माने निजर फॉर्म टी को कंटीन्यूअसली आपण माने फिल अप करिवे तो आपण माने देखि पाछन्ते एठी कंटीन्यू टू अप्लाई लेखा हे छै तारि ऊपर जस्ट क्लिक एटा लिखि दे छै कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म टा आसी जाय छै तो एठी आपण माने देखि पाछन्ते रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टा कंप्लीट हे सारि छै एबे अछि एप्लीकेशन फॉर्म टी आपण माने एठी फिलअप करेंगे तो वेरिफिकेशन डिटेल्स ले देचे रजिस्ट्रेशन नंबर ये एंटर करिया को पड़ो तो एंटर करेंगे ये रजिस्ट्रेशन नंबर जोटा कि आपण मानक मेसेज आसी थी आपण मानक पाखकु से नंबर टी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन पर आपण मानू कौन करिया पड़िबो, ए नंबर दे सारला पर आपण मानू सर्कुल अप्लाइंग फॉर को सर्कुल रे आपण माने अप्लाई करिया पय चाहउछन्ती को सर्कुल पय, तो आपण मानू एडी निजर सर्कुल टिको एडी चूज करिवे। तो ओडिसा सर्कल रे मु अप्लाई करिया पय चाहउछ, तो ओडिसा चूज करिवे। तो ओडिसा हे सारला पर आपण मानू जस्ट सबमिट ऊपर क्लिक कर देबाक पड़िबो। हे सब ओटीपी सेंड ओटीपी आसी जायछि सक्सेसफुली, आपण माने देखि पारछन्ती ओटीपी आसी सारछि। तो जस्ट कॉपी कर देबे, तापर ओके रे क्लिक कर देबे। कौन करिया पड़िबो ए ओटीपी आपण माने देखि पारछन्ती ए तळ जो देछि एंटर ओटीपी तार ऊपर एटा को पेस्ट कर देबे। हे सारला पर एठी आपण मानकू कैप्चा देबाक पड़िबो, कोन सब कैप्चा रहिछि। कैप्चा दे सारला पर आपण मानकू कोन करिया पड़िबो ना नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिया पड़िबो। नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर सारला पर आपण मानकू पाखू एमिति इंटरफेस टे ओपन हे जिवो, जोटा कि एप्लीकेशन फॉर्म टी ऑलरेडी कंप्लीट हे सारछि। एबे चूज रेफरेन्स सब देछि, आपण माने देखि पारछन्ते एठी एड्रेस डिटेल्स देछि, कम्युनिकेशन एड्रेस ता सहित परमानेंट एड्रेस आपण माने निजर एड्रेस एठी फिल अप करिया आपण माने एठी पचारिबो। देखि पारछन्ते परमानेंट एड्रेस सेम आज कम्युनिकेशन एड्रेस, आपण मानकर कम्युनिकेशन एड्रेस सहित आपनकर परमानेंट एड्रेस कोन सेम अछि कि, तो जस्ट आपण माने जदि सेम थिबो कहले एही जो डॉट देछि तार ऊपर क्लिक कर देबे। तो एठी सब फिल अप हे गला। तो फिल अप हे सारला पर आपण माने कोन करिया पड़िबो, तो जस्ट तळक जिवाक पड़िबो। एठी आपण माने देखि पारछन्ती क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपण माने मागिछि, क्वालिफिकेशन आपण माने मागिछि। तो सिलेक्ट वर्ड मागिछि, तो सिलेक्ट निजर वर्ड्स आपण माने चूज करिवे। निजर वर्ड सिलेक्ट करि सारला पर एठी सिलेक्ट रिजल्ट टाइप जोटा छै आपण को रिजल्ट टाइप मार्क मार्क बेसिस रे जदि थिबो कहला आपण माने सिलेक्ट कर देबे। ता सहित सिलेक्ट सब्जेक्ट कोन देछि आपण माने देखि पारछन्ती एठी सेकेंडरी लैंग्वेज आप मोर इंग्लिश था, तो इंग्लिश उपर क्लिक कर देउछि। ता सहित एठी कोन अछि फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया, तो ओडिया उपर क्लिक कर देबे। ता सहित सोशल साइंस कोन अछि आपण माने एठी निजरो देखि परबे, निजे कोन रखिथिले आपण माने एठी देखि पारछन्ती। मु तो थर्ड लैंग्वेज संस्कृत रखिथिले, संस्कृत उपर क्लिक कर देबी। एति के हे सारला पर आपण मानन को सब्जेक्ट रे केते मार्क आनिछन्ती से अनुसार मार्क एठी फिल कर केते हिछि से एति सब मार्क एंटर कर सारला पर जस्ट आपण मानन सेव एंड कंटिन्यू उपर क्लिक करिया पड़िबो। क्लिक कला पर आपण माने देखि पारछन्ती टोटल एमिति ओपन हे जिवो। आपण माने देखि पारछन्ती रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हे सारथि, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हे सारथि। चूज प्रेफरेन्स जोटा मागी छे सेटा आपण माने चूज करिवे, निजर को सर्कल रे आपण माने चूज योर प्रेफरेन्स शेयर दे छे सेटा निजर सर्कल अनुसार आपण माने सेठी चूज करेंगे। कौन देछि सर्कुल अप्लाइंग फॉर ओडिशा सर्कुल पे आपण माने अप्लाई करूछन्ती, तो सिलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर को डिवीजन पे आपण माने अप्लाई करिवे सेटा आपण माने सिलेक्ट करिया को पड़िबो। एठी जोटी लेखा है सिलेक्ट डिवीजन तार ऊपर क्लिक कर देबे। क्लिक कला पर आपण माने को डिवीजन एठी बहुत गुडा डिवीजन अछि जोटा ओडिशा स्टेट रे आपण माने देखि पारछन्ती। तो एठी निजर डिवीजन अनुसार एठी आपण माने चूज करिवे। तो मु चूज कर दउ छी एठी निजर जो डिवीजन अछि मोर से डिवीजन अनुसार मु चूज कर दउछि। आपण माने निजर डिवीजन जोडा अछि से अनुसार निजर डिवीजन को चूज करिवे। चूज कर सारला पर एमिति आसी जिवो इंटरफेस एमिति आसी जिवो। कोन सब देछि आपण माने देखि पारछन्ती, एडा सीरियल नंबर देछि 1 2 3, ता सहित डिवीजन देछि, डिवीजन कोन अछि सब देखि पारछन्ती। ऑफिस देछि आ पोस्ट नेम गुडा सब देछि, तापर पोस्ट प्रेफरेंस अछि। तो आपण माने एठी निजे चूज करिया को पड़िबो को पोस्ट पे आपण माने कोठा आगे अप्लाई करबे सेटा नंबर वाइज आपण माने को प्रेफरेंस एठी देबा को पड़िबो। तापर फाइनल एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली देखइबो। तो आपण माने देखि पारछन्ती जस्ट आपण माने ओके रे क्लिक कर देबे। ओके रे क्लिक कर सारला पर देखि पारछन्ती जो प्रिंट एप्लीकेशन लेखा है आपण मानकर टोटल एमिति किछि आसी जिवो जोटा को आपण माने देखि पारछन्ती, जोटा कि रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हे सारछि, एप्लीकेशन फॉर्म भी डिटेल सब ओके हे जाय। ता सहित चूज प्रेफरेन्स नंबर भी से ओके जाय। प्रिंट एप्लीकेशन जोटा लेखा है सेटा मध्ये आपण माने प्रिंट कर पारिबे। ये डिटेल्स अच्छे देखि पारछन्ती नेम ता सहित कोन रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, नेम सब डिटेल्स दिया है, कौन सब रही है एड्रेस डिटेल भी दिया है, मार्क बेसिस केते सब अच्छे सब एठी आपण माने देखि पारछन्ती। तो मार्क अनुसार एठी सब देखिए डिक्लारेसन भी सब हो सारी सिग्नेचर भी अपलोड हो सारी ता सहित तो केतटा पोस्ट आपण माने चूज कले से पोस्ट भी आपण मानकर एठी पोस्ट सब एठी दिया है एसटी कैटेगरी अनुसार केतटा पोस्ट मु चूज करछि से अनुसार एठी हे सारी ता सहित तो आपण माने जस्ट कोन कर देबे प्रिंट लेखा है से प्रिंट ऊपर क्लिक कर देबे। जो पिला माने जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी पिला हेथिबे से पिला मानन जेते बेले आपण माने अप्लाई करछुंदी सेही टाइम रे आपण मानन फी पेमेंट मागिबो। आपण मानन जो अप्लाई करछुंदी एही पोस्ट को तो आपण मानन 100 टंका फी नेबो। तो जो पिला माने आउ एससी एसटी ता सहित वोमेन्स कैंडिडेट गुड़े से ही पिलामानन को पाई फी नाही तो आपण माने फ्री रे अप्लाई करि परिबे। आ जो पिला माने जनरल कैटेगरी रे जाउछन से पिला माने फी देबा पड़िबो 100 टंका। तो चलो तो फ्रेंड्स जदि आज वीडियो जदि आपण मानन को भल लागिथिबो ताले गोटे लाइक कर दियंतु ता सहित चैनल टी को सब्सक्राइब करिकि ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर दियंतु। चलो तो आज वीडियो एति कि मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे तब तक बाय बाय।